इन दिनों पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके मद्देनजर लोगों को अपने घर से निकलने की इजाजत नहीं है। इसी लॉकडाउन के दौरान गाजीपुर जनपद के नौनहरा थाना अंतर्गत शक्करपुर गांव में बुधवार की सुबह गांव वालों को गेहूं के खेत में तेंदुआ दिखाई दिया, जिसकी जानकारी उन लोगों ने स्थानीय पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन को भी दी, जिसके मद्देनजर जिला अधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने खुद मौके पर पहुंचकर ड्रोन कैमरे की मदद से तेंदुए की लोकेशन को देखा। फिर उन्होंने गोरखपुर वन विभाग की टीम को बुलवाया। यह टीम करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत की। इस दौरान यह लोग पहले गाड़ियों में बैठकर तेंदुए की लोकेशन वाले स्थान पर गए, लेकिन तेंदुए का कोई भी लोकेशन नहीं मिली, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर की मदद से उसे खोजना आरंभ किया। इसी दौरान ट्रैक्टर चालक को तेंदुए की लोकेशन का पता चला, जिसके बाद टीम के एक्सपर्ट ने तेंदुए को गन की मदद से बेहोश किया, लेकिन इस दौरान तेंदुए ने बचने की बहुत कोशिश की और बचने के चक्कर में वन विभाग के 2 दरोगा भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। लेकिन इसके बाद भी टीम ने हार नहीं मानते हुए तेंदुए को कब्जे में कर लिया और तेंदुए को पिंजड़े में डाल दिया। गाजीपुर से देखिए ये रिपोर्ट SKH News।